दिग्गज अभिनेता, कमाल के डायलॉग राइटर और कॉमेडी ऐसी कि सदा दिलों में मुस्कुराहट बनी रहे। कादर खान साहब हमारे बीच अब नहीं रहे। कनाडा के अस्पताल में कादर खान साहब ने अंतिम सांस ली। पर्दे पर एक्टिंग करते हुए तो हम सब ने कादर खान को देखा, लेकिन नई जनरेशन के कम ही लोग जानते हैं कि कादर खान ने पर्दे के पीछे रहकर भी इस बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने में कादर खान का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कादर खान के लिखे डायलॉग्स को जब अमिताभ पर्दे पर बोलते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सिनेमा हॉल गूंज जाता था। तो आइए याद करते हैं कादर खान साहब के 10 दमदार डायलॉग। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। कादर खान के दमदार डायलॉग्स की बात चल रही है। सबसे पहले जो डायलॉग याद आता है वो है, बचपन से सर पर अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पर 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ और नाम है इकबाल। अमिताभ की फिल्म कूली का ये डायलॉग आज भी सदा सबके जहन में है। वहीं पर एक और डायलॉग कादर खान साहब का, सुख तो बेवफा है, आता है जाता है, लेकिन दुखी अपना साथी है, अपने साथ रहता है, दुख को अपना ले तो तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये कमाल का डायलॉग। साल 1978 में ये फिल्म आई थी। फकीर बाबा बने कादर खान की जिंदगी का मर्म अमिताभ को समझाते हैं। ठीक इसी तरीके से हिम्मत वाला फिल्म का एक डायलॉग, मालिक मुझे नहीं पता था कि बंदूक लगाए आप मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे लगा कि कोई जानवर अपने सींग से मेरे पीछे खटबल्लू बना रहा है। जी हाँ, अमजद खान के हसौड़े मुंशी का किरदार निभाने वाले कादर को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ठीक इसी तरीके से एक डायलॉग मिस्टर नटवरलाल का, आप हैं किस मर्ज की दवा, घर में बैठे रहते हैं, ये शेर मारना मेरा काम है, कोई मवाली स्मगलर हो तो मारू मैं शेर, क्यों ना मारू, मैं तो खिसक रहा हूँ, आप में चमत्कार नहीं है तो आप भी खिसक लो। फिल्म में अमिताभ ने भगवान से बात करते हुए ये डायलॉग कहा था। एक और फिल्म अंगार 1992 में आई थी, इसका डायलॉग ऐसे तोहफे यानी कि बंदूक हाथ में थी। ऐसे तोहफे देने वाला दोस्त नहीं होता है, तेरे बाप ने 40 साल मुंबई पर हुकूमत की है, इस खिलौने के बल पर नहीं अपने दम पर। अपने दम पर ही कादर खान साहब ने बॉलीवुड पे राज किया है। वहीं पर एक और डायलॉग याद आता है, यादगार फिल्म सत्ते पे सत्ता का। डायलॉग था, दारू पीता नहीं है अपुन, क्योंकि मालूम है दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है, लिवर। यह डायलॉग अमिताभ शराब के नशे में बोलते हैं। अब दमदार डायलॉग की बात चल रही है तो सबसे दमदार डायलॉग सुनिए, अमिताभ बच्चन साहब का यादगार डायलॉग, उनकी पहचान, फिल्म अग्निपथ का डायलॉग। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। जी हाँ, ये डायलॉग भी कादर खान साहब ने ही लिखा था। ठीक इसी तरीके से एक और डायलॉग याद आता है, वो है फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी का। ये जबरदस्त फिल्म आपको याद तो होगी ही। डायलॉग था कि तुम्हें बख्शीश कहां से दूं, मेरी गरीबी का तो ये हाल है कि किसी फकीर की अर्थी को कंधा दूं तो वो उसे अपनी इंसल्ट मानकर अर्थी से कूद जाता है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म में चालाक ठक्का किरदार निभाने वाले कादर का ये मशहूर सीन था। एक और डायलॉग जहन में आ रहा है, फिल्म हम का डायलॉग था, कहते हैं कि किसी आदमी की सीरत अगर जाननी हो तो उसकी सूरत नहीं उसके पैरों की तरफ देखना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। इस फिल्म में कादर का डबल रोल था और आर्मी कर्नल के किरदार में ये डायलॉग उन्होंने बोले थे। तो कादर खान साहब भले आज हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनके डायलॉग, उनकी एक्टिंग, शानदार अभिनय, ये सारी चीजें जहन में हमेशा जिंदा रहने वाली हैं। कादर खान अमर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।